बॉलीवुड इंडस्ट्री की यंग एंड टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक है। वो अपनी हर नई फिल्म में शानदार एक्टिंग के जरिए फैंस का दिल जीत ही लेती हैं, जिस वजह से एक्ट्रेस अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं। हालांकि श्रद्धा कपूर की पर्सनल लाइफ भी गॉसिप से भरी हुई है। दावा किया जाता है कि एक्ट्रेस अपने बचपन के दोस्त और सेलिब्रिटी फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठ को डेट कर रही हैं और जल्द ही दोनों शादी भी करने वाले हैं। हाल ही में श्रद्धा कपूर की मौसी और एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे ने और उनके कजन प्रियंका शर्मा ने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें दोनों ने श्रद्धा और रोहन की शादी पर खुलकर बात की। जी हाँ, आपको बता दें कि इंटरव्यू में पद्मिनी कोल्हापुरे और उनके बेटे प्रियांक शर्मा ने काफी कुछ कहा, जिसमें उन्होंने श्रद्धा और रोहन श्रेष्ठ की शादी से जुड़े सवाल पर बात किया। इंटरव्यू में जब प्रियांक शर्मा से श्रद्धा रोहन की शादी के प्लान के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि वह रोहन और श्रद्धा की शादी के टॉपिक पर राय देने वाले सही व्यक्ति नहीं है। प्रियांक ने कहा कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, मैं इस पर क्या बोलूँ यार, लेकिन आप एक्साइटमेंट की बात कर रहे हैं तो मैं एक्साइटेड ज़रूर हूँ और होना भी चाहिए। यदि भविष्य की बात की जाए तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। वहीं आपको बता दें कि श्रद्धा और रोहन की शादी पर एक्ट्रेस की मौसी पद्मिनी कोल्हापुरी से राय मांगी गई तो उन्होंने बेहद खुशी के साथ मज़ेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शादी, वाह ये एक अजीब सवाल है, अगर ऐसा होगा तो खबर आप सबको मिल ही जाएगी। जी हाँ, तो आपको बता दें कि इससे पहले शक्ति कपूर ने भी एक इंटरव्यू में अपनी बेटी श्रद्धा कपूर की शादी की अटकलों पर कहा था कि मैं नहीं जानता हूँ कि सोशल मीडिया पर कैसी अफवाहें फैलाई जा रही है, लेकिन हाँ मैं अपनी बेटी श्रद्धा के हर फैसले के साथ खड़ा हूँ, शादी समेत हर फैसले का मैं सम्मान करता हूँ। जी हाँ, तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।